भी है कि हम डेफिशिएंसी के नाम पे कैसे समय पास करें, कैसे जब भुगतान, अगर जल्दी डेफिशिएंसी हम क्लियर कर देंगे तो हमारे पास पैसा तो है नहीं भुगतान करने के लिए, है ना, भुगतान करने के लिए पैसा तो है नहीं, तो हम भुगतान करेंगे कैसे? तो इसलिए हम डेफिशिएंसी को समय समय बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा। और उसमें से बहुत सारे लोग क्या है डेफिशिएंसी में भी, को सारे लोग सहारा के ऑफिसों में जाके तो अपना पोर्टल पे लॉगिन किए नहीं है, कुछ लोगों ने ऑनलाइन जाके लॉगिन कर दिया है, कुछ लोगों ने जहां जैसे कर किया। अब जिन लोगों ने ऑनलाइन जाके लॉगिन किया उनके क्या बोलते हैं कैफे वाले, उनका रिकॉर्ड तो रखे नहीं, अब वो जाके वहां जाके पूछे तो कैसे पूछे कि मेरे में इसमें डेफिशिएंसी है या नहीं है, क्योंकि उसमें जब कंप्लेंट नंबर आता है वो दोबारा, पहली बार तो आधार कार्ड से खुल जाता था पोर्टल, अब जब वो एक बार लॉगिन कर चुका तो दूसरी बार जो कंप्लेंट नंबर होता है उसके आधार पर पोर्टल खुलेगा, तभी वो बता पाएगा कि आपके खाते में डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो ऐसे वो जमा करता है जिन लोगों ने, एक मिनट कटियार साहब, गीता कह रही हैं कि पोर्टल पर केवल मूलधन और खाता संख्या का ही की ही मांग है, मतलब उसमें आप मैच्योरिटी, चाहे आपकी मैच्योरिटी हो जाए उसमें इंटरेस्ट जोड़ करके आप नहीं दे सकते हैं कि भाई 3 साल में मेरा इंटरेस्ट जोड़ करके मेरा ये अदायगी है, तो वो आप अगर देंगे तो आप वो डेफिशिएंसी में आ जाएगा, सिर्फ आपको मूलधन का जिक्र करना है। हाँ, मुझसे मूलधन ही लिया जा रहा है उसमें, यहाँ तक कि पॉइंटों में भी जो सारा 24 में गोल्डन 24 में 2 सर्टिफिकेट बनाए इन्होंने, जो सारा रियल एस्टेट का मूलधन प्लस क्यू शॉप का ब्याज मिला के जो पॉइंट में दिए ब्याज था वो पॉइंटों में दिया, अगर हम मूलधन और पॉइंटों को दोनों को जोड़ के उसमें लिख देते हैं तो भी डेफिशिएंसी आ जा रही है, इसलिए मूलधन को ही लिखना पड़ेगा उसमें, मैच्योरिटी वैल्यू लिखने का कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है। पाठक सर देखिए, हाँ बोलिए 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 पाठक सर, पोर्टल पर 13 नंबर पॉइंट है D014, यानी 14 नंबर की जो डिफिशियंसी है उसमें लिखा हुआ है कि द डिपॉजिट वाज मेड ऑन और आफ्टर 22/3/2022 इन केस ऑफ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियर यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल एंड हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता एंड ऑन और आफ्टर 29/3/2023 इन केस ऑफ स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद, द क्लेम इज नॉट इलिजिबल एज इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पोर्टल। तो आपने जिन जिन सोसाइटियों का आपने जिक्र किया, एक तो इसी सोसाइटी का इसमें, लेकिन सबसे बड़ा झोल तो यह है कि ये बात तो सबको मालूम है कि अभी जो पोर्टल रिफंड कर रही है वो सिर्फ मूलधन रिफंड कर रही है, इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं है। तो अगर निवेशक को मालूम है कि इंटरेस्ट जोड़ करके जैसे ही हम अपलोड करते हैं वो डिफिशियंसी में आ रहा है, तो आप सबसे पहले तो मूलधन लेना, आप इंटरेस्ट क्यों जोड़ रहे हैं, या सारे लोग ने इंटरेस्ट जोड़ करके अपलोड कर दिया है? नहीं, 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 ज्यादातर जो ई मित्र के जरिए या जैसे मान लो कि बाहर किसी अन्य माध्यम से जहां से किया गया है पोर्टल पे लॉगिन और जिनको जानकारी नहीं थी उन्होंने वो अमाउंट जोड़कर डाल दिया तब जाकर डिफिशियंसी आई है। अच्छा, ये मनोज सिंह क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट रुकिए जरा सा मनोज, हाँ चल बोल लीजिए बोल लीजिए कटियार साहब बोलिए, फिर मैं जरा अम्मी लाल जी से पूछूं जरा कुछ बात। पाठक जी, एक चीज मैं और निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जब सीआरसीएस मूलधन के ही डिमांड कर रहा है उसमें ब्याज जोड़ नहीं रहा और जिनको भुगतान कर रहा है उनको ब्याज सहित भुगतान कर नहीं रहा है, तो 5 लाख से ऊपर वाले खाताधारियों को, निवेशकों को, उनका बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, या और आपने पैसा जमा किया वो कैसे जमा किया, चेक से जमा किया या कैश से जमा किया, इन सब चीजों की जानकारी के आधार पे उनको रिसमिशन करने के लिए रोका जा रहा है। जब आपको मूलधन देना है 2012 का तो वो आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट और ये प्रूफ क्यों देगा, क्यों देगा कि हमने ये पैसा कहाँ से लाया, आप ब्याज तो दे ही नहीं रहे उस पर, तो ये भी तो 2012 का मूलधन लौटाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में 5 लाख से ऊपर वालों का रिसमिशन क्यों रोका जा रहा है, उनको भी 10,000-50,000 लेने का अधिकार है, जैसे छोटे लोग 5 लाख से नीचे वालों को, निवेशकों को अधिकार है, जब आपको मूलधन लौटाना है 5 लाख का निवेश, एक मिनट
प्रदीप कटियार जी, 5 लाख का जो निवेश है वो क्या वन शॉट में 5 लाख है या अलग अलग दिनों में वो जमा किया गया है, निवेश किया गया है? आप इस 5 लाख? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग दिनों में, कभी 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 किसी ने 1 लाख जमा किया है, कभी 50,000 जमा किया है, कभी 20,000 जमा किया है, ऐसे करके 5 लाख से ऊपर हुआ है। बिल्कुल, ऐसे करके 5 लाख से ऊपर हुआ है। तो उसमें कौन सा ये आरटीआर मांग रहे हैं साहब, उसमें ये कौन सा ये 5 लाख से ऊपर जिनका 5 लाख से ऊपर का हो गया है उनको उनको कहा जा रहा है कि आप रिसमिशन तभी करेंगे जब आपको आईटीआर देना पड़ेगा, आपने बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आपने पैसा कहां से जमा किया था, कैश में जमा किया था या चेक में जमा किया था, ये सारी चीजें उनसे मांगी जा रही। जबकि ये तो अधिकार उन्होंने अपने आप ने खुद ने खो दिया, क्योंकि आप तो मूल का मूल लौटा रहे हो, वो भी 2012 का मूल, 2014 या 22 का मूल नहीं लौटा रहे हो, तो फिर उनसे तो ये मांगने का अधिकार ही नहीं है ना उनको। ये यही मैं कह रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। वो चूंकि एक सरकारी बन गई है तो उनका वो ट्रेल करने के लिए कि पैसा कहाँ से आया क्या नहीं आया वो रहता है उनके दिमाग में, वो शायद इतना नहीं समझ पाए होंगे कि 5 लाख रुपए जिन्होंने जमा किए हैं वो कभी हो सकता है कि वो 50,000 रुपए कैश जमा किए हों, 50,000 रुपए चेक से दिए हों, फिर 50,000 रुपए कैश किए हों, फिर 50,000 चेक से दिए हों, क्योंकि उस वक्त तो मनी ट्रांसफर आया नहीं था, 2012 के पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो ये चेक से या कैश से, यही दो तरीके से हुआ होगा, या ड्राफ्ट ड्राफ्ट अगर बना करके कोई दिया होगा तो वो अलग विषय है। यही 3 तरीके होंगे जिन्होंने जो जिस तरीके से वो पैसा जमा हुआ होगा। अब सवाल है इसमें जी, ये हाँ बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। ये बात कैसे कोई कहेगा कि भाई मैं उसका आईटीआर कैसे भरूं, वो तो आईटीआर के परव्यू में है ही नहीं। मान लीजिए 3 साल में हमने 5 लाख रुपया जमा किया, वो कौन सा आईटीआर होगा भाई, उसका हम किसको देंगे पैसा, कहाँ देंगे, वो हमारे इनकम में नहीं रहा होगा। जी जी जी, इसमें सर एक चीज और मैं कहूंगा कि इसमें आप देख रहे होंगे मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनका 5 लाख एंड अबव जो जमा है उसमें से 60% ऐसे लोग हैं जो जमा कार्यकर्ता